चले आए भाई, लाइट जाने की वजह से जो बर्बाद हुआ उसको रिकैप करते हैं जरा सा, थोड़ा सा बिस्मिल्लाह करके। देखो मैंने आपको अभी जनरली एक से दो चीजें पढ़ाई हैं, वो है क्या उसको देख लेते हैं वन टाइम। मैंने आपको सबसे पहले बताया कि भाई एपीआई का कॉन्सेप्ट के एक्सियोस क्या है। एक्सियोस हमारे पास एपीआई के लिए या बैकएंड या सर्वर के ऊपर एचटीटीपी रिक्वेस्ट डालने के लिए होता है, ठीक है। वो मुख्तलिफ स्टेटस के साथ वहां से रिस्पॉन्स आता है। एक्सियोस क्या करता है, नोड जेएस के प्लेटफॉर्म से HTTP रिक्वेस्ट भेजता है, किसको, सर्वर को। सर्वर से फिर आगे रिस्पॉन्स आता है। अब इसके लिए मेथड क्या है, मैंने सिंपल बताया, आप लिखते हैं exios.get, get के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना होता है, URL पर। अच्छा, exios के साथ सिर्फ डॉट गेट नहीं है, डॉट पोस्ट भी हो सकता है, डॉट अपडेट भी हो सकता है, डिलीट भी हो सकता है, इनके पैरामीटर चेंज होते हैं। बहरहाल ये सब के सब रिक्वेस्ट डालने के मेथड है, किसके लिए, हमारे पास उस पे HTTP के, ठीक है। उसके बाद डॉट देन और डॉट कैच का कॉन्सेप्ट है। डॉट देन में पॉजिटिव रिस्पांस अगर आया है, कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव व्हाटएवर, सर्वर से अगर रिस्पांस आ चुका है, सर्वर से कनेक्टिविटी हो चुकी है हमारी, तो यहां पर आएगा। अगर सर्वर तक हमारा बंदा पहुंचा ही नहीं, हमारी रिक्वेस्ट सर्वर तक नहीं गई है, फ्रंट एंड से ही आगे नहीं गई, तो फिर यहां पर एरर आ जाएगा फ्रंट एंड के ऊपर, समझ गए। अब फ्रंट एंड से एरर कैसे आ सकता है भाई, हमारा बंदा वहां पहुंचा ही क्या। जैसे मैंने कुमैल को बोला कि भाई आपने फिलहाल उस एक लोकेशन या किसी शॉप का नेम बता दिया, वो शॉप थी मलीर में, मैंने उसको एड्रेस दे दिया लांडी या कोरंगी का, क्या इस शॉप पे पहुंचेगा वो, नहीं, गया तो है यहाँ, यहाँ से रिक्वेस्ट तो भेजी है लेकिन गलत एड्रेस पर भेजी है, रिस्पॉन्स ही नहीं आया, समझे बात। तो इस कंडीशन में क्या यहाँ पर एरर आता, जैसे अगर मैं यहाँ पर कुछ मिटा के उल्टा सीधा एड्रेस कर दूं, खराब कर दूं इस एड्रेस को, रिक्वेस्ट नहीं जाएगी। बहरहाल यहाँ आते हैं, ये सिंपल था। उसके बाद मैंने वहां पर आपको बताया कि जब रिक्वेस्ट आपने ऐड कर दी, ठीक है, आपने वहां पर रिक्वेस्ट भेज दी, तो क्या क्या हो सकता है। जब रिक्वेस्ट भेजी तो आपके पास ये जर्नल चीज आती है, एक आता है रिस्पांस। रिस्पांस में अब मुख्तलिफ हर जगह अलग होगा भाई, आप सिर्फ रिस्पांस, अब ये नहीं आप रट लो इसको रिस्पांस डॉट डेटा रिस्पांस, भाई वहां से सर्वर से जो आ रहा है रिस्पांस आया, उसको ओपन करके देखो आपका काम का डेटा है कहां। अगर डेटा में तो डेटा में, अगर किसी ने बिल्कुल नाम रखा हुआ है रिस्पांस के अंदर, ऑब्जेक्ट के अंदर सेव किया हुआ है यूजर्स, तो आप रिस्पांस डॉट यूजर्स करोगे, लेकिन जनरली लोग डेटा ही रखते हैं, ठीक है। रिस्पांस डॉट डेटा आपने लिखा और मैंने आपको दिखाया डेटा किस तरीके से शो होता है वहां पर, तो आपके पास वो डेटा वहां पर शो हो गया। उसके बाद जो हमारा डेटा है, मैं अभी डेटा भी आपको यहाँ दिखा देता हूँ, हमारे डेटा के हिसाब से, हमारा जो डेटा है उसके हिसाब से हमारे पास ये डेटा आया था, जिसमें इस तरीके से ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के अंदर लॉगिन है। अभी हम लॉगिन के थ्रू फाइंड आउट कर रहे थे, अगर हमारा लॉगिन वाला बंदे के हम डेटा भेजते हैं कि भाई चेक करो, तो पर सर्वर पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा, अगर नहीं मिलेगा तो बोलेगा नॉट फाउंड। उसके लिए हमने इफ की कंडीशन चलाई और ये डेटा ऐसे वेरीफाई किया। जैसे मैंने कहा रिस्पॉन्स डॉट डेटा, आप ढूंढो क्या आइटम्स, आइटम्स क्या ऑब्जेक्ट है, हर ऑब्जेक्ट के अंदर मैच करो लॉगिन, कौन सा लॉगिन, मोजम्बू अगर है तो, अगर है लॉगिन फाउंड हो गया तो बोलो यूजर मिल गया, नहीं हुआ तो बोलो नहीं मिला। पहले अभी तो सिर्फ जर्नली ये प्रिंट कराया मैंने, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास जो डेटा आया है कंट्रोल शिफ्ट आई, तो आपने देखा यूजर मिल गया। अच्छा अगर मैं इसको चेंज करता हूं अब मिलेगा, नहीं मिला, समझ गए यहां तक बात, तो हमें पता चल गया यूजर मिलेगा या नहीं मिलेगा, दोनों चीजें हमारे पास यहां पर ट्रू हो गई। अब मैंने, अच्छा अब मिल गया तो सर क्या करना है, मैंने मिल गया तो भाई इस बंदे का आप डेटा भी उठा सकते हो, फाउंड में आपको कौन मिला है, आप जरा अगर मैं भेज दू कंसोल के अंदर, यहां पर मैं प्रिंट करा दू बिलफर मिल गया ना, मिल गया तो मैं जरा फाउंड को प्रिंट कराऊ, फाउंड में आता क्या वो भी तो देखें जरा, फाउंड है क्या, लेट्स सी फाउंड में क्या मिलता है, फाउंड में क्या मिलता है, ऑब्जेक्ट मिलता है, ठीक है ऑब्जेक्ट मिल गया। और मैं बोल सकता हूं फाउंड में, मैं ये नहीं बोलू कि मिला कौन है, मैं बोल दू योर आईडी, अपना आप नाम डालेंगे आपको वो आपकी आईडी बनाएगा, तो मैं बोलूंगा बैकटिक लगा के योर आईडी नंबर, योर आईडी नंबर इज, ठीक है आईडी नंबर, अब आईडी नंबर कहां पर मिलेगा, इसके लिए मैं यहां पर आता हूं डॉलर लगा के और मैं करता हूं फाउंड, फाउंड वो ऑब्जेक्ट आ गया जो मिला है, उसके अंदर डॉट आईडी का कॉन्सेप्ट है ना, आईडी दिया है कहां पर है ये आईडी नंबर वन, क्या है मुजम्बो की आईडी नंबर वन, आओ किसी और का उठाते हैं, इसको चेक करते हैं भाई इसकी आईडी बताओ मुझे, ये अभी मैं इस तरीके से लिख रहा हूं ना यहां पर, अब देखो भाई क्या देता है आईडी नंबर,
17 आईडी दे रहा है, मैं कोई भी डेटा वहां से चूज कर सकता हूं। अगर बिल फर्स्ट मैं उससे उसकी इमेज मांगना चाहूं, यहां पे इमेज का यूआरएल है, तो मैं उसका इमेज का यूआरएल भी ले सकता हूं और उस इमेज के यूआरएल को मैं नीचे लाके प्रिंट भी करा सकता हूं, उसकी इमेज प्रिंट कराएं। हां ऐसा थोबड़ा दिखता है तुम्हारा, बता दें उसको। वैसे प्रिंट कराने के लिए हमें थोड़ा सा काम और करना पड़ जाएगा, वो ये होगा मुझे एक यहां पर एक यूज स्टेट बनानी पड़ेगी। आ गया यूज स्टेट का काम, यूज स्टेट मंगवा ली यूज स्टेट के अंदर। यहां मैं सेव कराऊंगा एक स्ट्रिंग जिसको बोलूंगे यूआरएल, व्हाटएवर शुरू में अगर कुछ देना है तो ठीक है, अभी वैसे मैं दे दूंगा। और यहां पर मैं होऊंगा कॉन्स्ट और यहां मैं करूंगा प्रोफाइल सेट, प्रोफाइल सेट करूंगा, ठीक है। ये एक इमेज और यहां पर एक इमेज आ जाएगी। बहरहाल अभी उसको इसी तरीके से छोड़ते हैं, सारी चीजों को यहां आता हूं मैं, सिर्फ और सिर्फ मैं करता हूं एक इमेज, ठीक है। इमेज आएगी यहां पर, एक इमेज शो करानी, और इमेज कैसे शो होती है भाई, यहां आते हैं इसको बोलते हैं भाई प्रोफाइल इमेज। हाँ इसका गेट यूआरएल, इमेज यूआरएल बहुत बड़ा तो नहीं आएगा, अल्लाहु अकबर, कोई छोटा सा। अच्छा ये ओपन करने के बाद भी इतना ही बड़ा आएगा, कॉपी इमेज एड्रेस, मेरा ख्याल है इस तरीके से छोटा एड्रेस आता है, परफेक्ट। और उसको कट करते हैं यहाँ से, इसको यहाँ पेस्ट करते हैं क्योंकि हमने वहां से लेना है, ठीक है। ये आ गया मेरे पास प्रोफाइल, तो मैं यहां पर पास कर देता हूं किसको, प्रोफाइल को। चल भाई छुट्टी कर, आ गई प्रोफाइल। तो अब इस प्रोफाइल को आपको पता है कि मुझे क्या करना था, वेट दे देता हूं 100 और हाइट दे देता हूं 100 और क्लास नेम दे देता हूं डी फ्लेक्स, यार मैं कर देता हूं डिस्प्ले BLOC के ब्लॉक, डिस्प्ले ब्लॉक होता है, और MAUTO ऑटो सेंटर में आ गई, और MT5 ओके हो गया। और उसको कर देता हूं थोड़ा सा बढ़ा 150 और कर देते हैं अराउंडेड CIR CLE सर्कल, परफेक्ट। इमेज आ गई, इमेज बन गई हमारे भैया। अब मैं क्या करूंगा कि कंट्रोल शिफ्ट आई, मैं चाहता हूं भैया ये इमेज जो है ना ये चेंज हो जाए, जिसका मैं नाम दूंगा ना वो इमेज आ जाए उसकी, व्हाटएवर, ठीक है, जिसका यहां पे नाम पास करूंगा। और इसकी जगह भी हम करते हैं प्रॉम्प्ट Enter your name। अच्छा अब ये थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगा, मैं काम करता हूँ इस पूरे को ही फिल वक्त के लिए ना कमेंट आउट कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है, ताकि ये प्रॉम्प्ट। चल भाई जा, क्या है मैंने लूप में डाला हुआ है, क्या किया हुआ है। अच्छा अच्छा यार सेफ नहीं हुआ, कहाँ है, ठीक तो है, वाइट आर यू क्रेजी, सही है, ठीक है। इस इमेज की जगह ना मैं जरा देख लूं यूआरएल इसमें से है कौन सा, गेस्ट यूआरएल अवतार, यूआरएल अवतार यूआरएल मेरे ख्याल ये वाला है। इससे ऐसे पता चलेगा ना कि यहां पर मैं जरा इसको पिच करके देखूं कि इसकी जगह मैं ये लगाऊं, और भाई सिंगल है, इमेज ये नहीं है इसका मतलब, इमेज और अच्छा यूआरएल अवतार, अवतार यूआरएल है ये, यही इसकी इमेज है असल में, अवतार यूआरएल ये आ गई यहाँ पर इमेज ये, ठीक है, ये परफेक्ट हो गया। अब ना मैं इसको नॉर्मली ही रखूंगा, इमेज मेरे पास अभी यहाँ पर ये शो होगी, प्रोफाइल इमेज ये होगी, जिसका मैं नाम लिखूंगा उसकी API से उठा के उसकी पिक्चर दिखाएगा, ठीक है। उसके लिए क्या करते हैं, आओ यहाँ पे सारी चीजें हैं, फाउंड क्या करना है, प्रॉम्प्ट में डेटा लो और लॉगिन नहीं चेक करो, लॉगिन चेक करो, मैं बंदे का नाम दूंगा लॉगिन चेक करो, अगर बंदा मिल जाता है तो करना क्या है, कुछ नहीं करना, हटाओ, आपने कंसोल में भी कुछ नहीं प्रिंट कराना, आपने यहां पर ये करना है सेट प्रोफाइल जो है ना उसको बराबर कर देना है वो जो डेटा फाउंड हुआ है ना, फाउंड के अंदर जो URL अवतार है ना ये उसके बराबर कर देना है। लो भाई अब जो भी प्रोफाइल का वो URL सेट होगा वो इसके हिसाब से सेट होगा, ठीक है। अब जरा चेक करते हैं, यहां से एक बंदे का नाम लेते हैं, किसको देखें, किसको देखना है बताओ,
नाउ वाइज को देखते हैं ये दिखता कैसा है। ठीक है, लोकल होस्ट पर जाते हैं, वो पूछेगा टेक्नो वाइज। अबे यार जा यार, अच्छा एक मिनट, किसी कहां मैंने एक मिस्टेक की है। अच्छा सॉरी, एक मसला किया ना, कोई बंदा बताए क्या मसला किया है, फटाफट से बताओ क्यों बार बार आ रहा है, वजह क्या है? डॉट फाइंड, डॉट मैप, ये सब क्या है? लूप्स है। तो ये क्या है? फाइंड लूप है। लूप में मैंने प्रॉम्प्ट डाल दिया तो 10 दफा ही नाम पूछेगा ना, इसका भी हल है। आओ चेक यूजर, चेक यूजर के नाम से बना दो और यहां पर आप आओ कॉन्स्ट, कॉन्स्ट करके चेक यूजर, ये आ गया बराबर है, और यहां आप लगा दो प्रॉम्प्ट, सॉरी प्रॉम्प्ट, खत्म हो गई बात। अब प्रॉम्प्ट में यहां से यूजर लेगा और वहां पर चेक करेगा, अब ये बार बार वो चीज नहीं देगा। चल भाई, अब तो ये फिलहाल जो दिया है भाई यही काफी था। चलो भाई, अच्छा मैं ऊपर सीधे, कुछ भी नहीं आया। ठीक है, अब आओ यहां पर टेक्नो वाइज को कॉपी किया, यहां चेक करते हैं टेक्नो वाइज की प्रोफाइल आनी चाहिए। एक मिनट, हाँ ठीक है, तो उस बंदे की यहां पर मेरे पास क्या आ गई है, प्रोफाइल आ गई है। मैं दोबारा एक नया बंदा लेता हूं, इसकी प्रोफाइल चेक करने, इसको कॉपी करता हूं, जो बंदा लॉगिन करेगा ना उसकी प्रोफाइल मेरे सामने आ जाएगी। अच्छा ये दो बार तीन बार तो जो एरर दे रहा है वो इस वजह से दे रहा है कि हमारे पास स्ट्रिक्ट मोड चल रहा है, उसकी वजह से दो बार चल रहा है। तो अब ये चीज तो मुझे पता चल गया कि भाई जो चीज मैंने यहां लगाई, जिसका डेटा मैं दूंगा यहां पर ये शो हो जाएगा, यहां तक कोई मसला। अच्छा अब ये लॉग इन करते हुए वहां थोड़ी शो होता है, लॉग इन करते हुए शो कहां होता है, कहां शो होगा? ये प्रोफाइल पेज पे होगा ना भाई, मैं लिंक्डइन पे लॉग इन करता हूं तो जाता कहां है? प्रोफाइल पेज पे। अच्छा यहां तक पहले तो मुझे ये चीज क्लियर करें, हर बंदे को इतना काम समझ आ गया कि भाई एपीआई कैसे कनेक्ट करते हैं, एपीआई से डेटा कैसे लेते हैं, फिर एपीआई के अंदर से कोई डेटा ढूंढते कैसे, यहां तक बात क्लियर है? क्लियर है जबेरिया? क्लियर है सुफियान साहब? मास प्रैक्टिस तो नीड होगी। हाँ भाई क्लियर हुआ? यहां पर हमने एपीआई पे रिक्वेस्ट भेजी, पहले वो कनेक्ट किया, उसके बाद उससे सारा डेटा मंगवाया, फिर डेटा तसल्ली से देखा, फिर मैंने कहा मैं अपनी मर्जी से आपको नाम या आईडी कुछ भी देना चाहूं। मैंने नाम का बोला, मैंने नाम दिया और मैंने कहा अब मुझे इसमें से उस बंदे का सिर्फ पिक्चर भेज दो, उसने सिर्फ पिक्चर भेजी अभी। अगर मैं सारा डेटा भी चाहता हूं ना, सब कुछ दो मुझे, वो सब कुछ भी दे देगा। सारा डेटा भी मैं क्या कर सकता हूं? प्रिंट कर सकता हूं, ऐसा कोई मसला नहीं। अगर सारा डेटा प्रिंट करना सर वो कैसे होगा? वो भी हो जाएगा, आप इसकी जगह ऑब्जेक्ट बना लो। कैसे? मैं अगर आपको सिखा दूं ना, इमेज की जगह, ये वाली जगह भी जो है इसकी जगह, असल में मैं पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट करा सकता हूं, ऐसे पूरा ऑब्जेक्ट दे सकता हूं। इसको भी क्या कर सकता हूं सर? प्रोफाइल की जगह ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट पूरा मंगवा लो। आपको पता है फाउंड वाला जब मैंने पहला यूजर मंगवाया था तो पूरा ऑब्जेक्ट आया था, ठीक है? तो पूरा ऑब्जेक्ट ले सकता हूं, फिर इस ऑब्जेक्ट की जो चीज चाहिए। यहां तो अभी मैंने सिर्फ प्रोफाइल लिया ना, फिर मैं बोलूंगा यूजर लॉग इन यूजर प्रोफाइल डॉट प्रोफाइल आ जाएगी, और डॉट जो जो चीजें चाहिए होंगी मुझे डॉट दबाता जाऊंगा आती जाएंगी। बात क्लियर है? क्या हुआ, सही से नहीं लग रहा है? आ जाओ मैं लगा देता हूं। ठीक है क्लियर हुआ यहां तक कॉन्सेप्ट? अब एक छोटी सी और चीज समझते हैं, वो हमारे पास है। अभी हमने यहां तक तो ये वाली बात तो समझ गए, हमें ये वाला किस्सा समझ आ गया। अब अगली चीज है हमारे पास, एपीआई को जरा साइड पे कर देते हैं, एपीआई का कॉन्सेप्ट भी ये सारा कुछ। एक चीज हमारे पास और आती है, प्रोफाइल को भी फिलहाल साइड पे, एक चीज हमारे पास और आती है जिसको हम कहते हैं ब्राउजर राउटर्स। आप लोगों ने पढ़े हैं ऐसा ही है। उस राउटर्स के अंदर एक चीज होती है यूज नेविगेशन। क्या होती है यूज नेविगेशन? असल में करती क्या है, किसी पाथ के ऊपर किसी चीज को कन्वर्ट करने के लिए। आप बोलोगे सर पाथ के ऊपर तो यूज, उसके अंदर हम लिंक लगा के क्लिक करते हैं यूज नेविगेट कर देता है। नहीं, यूज नेविगेट क्या है, एक फंक्शन है, हुक है। वो हुक करता क्या है, जब भी आप किसी यूज नेविगेट के अंदर जो पाथ पास करते हैं वहां ट्रांसफर कर देता है। जैसे कि आओ यहां पर यूज नेविगेट का कॉन्सेप्ट देखें, यूज नेविगेट इन रिएक्ट। आप आया, आपने यूज नेविगेट मंगवाया, यूज नेविगेट के अंदर देखो ये रहा नेविगेट टू सेशन डॉट आउट स्लैश, ये दे दिए।
यूज नेविगेट का फंक्शन है कि भाई जो भी पाथ आपने यहां पर पास किया है ना उसके अंदर ये नेविगेट कर जाएगा जो भी पाथ। अच्छा जर्नली मुझे एक चीज याद नहीं है कि वो पाथ एक मिनट राउटर का ही डिफाइन हुआ हुआ हो या दूसरा हो, ये वन टाइम देखना पड़ जाएगा मुझे। सबसे पहले तो ये देखूं यूज नेविगेट इंपोर्ट हुआ, हाँ रिएक्ट राउटर डोम से करो अनाउंसमेंट आए। बहरहाल यहाँ आते हैं रिएक्ट राउटर डोम। रिएक्ट राउटर डोम तो मेरे ख्याल है मैंने आपको इधर ही पढ़ाया था, वो इंपोर्ट भी किया था, सारा कुछ किया था। आओ जरा सा ब्राउजर राउटर शाउटर पढ़ते हैं। हाँ अब भी ये ब्राउजर राउटर में पैक किया हुआ है मैंने। आओ यहाँ पर थोड़े से रूट्स बनाते हैं यार। ब्राउजर राउटर पर आ गया मैं। अरे भाई कैसे था बताओ भाई, ब्राउजर राउटर कैसे होते हैं? हाँ यहां तो सिर्फ राउट्स आएंगे आर ओ यू, तो रिकमेंड क्यों नहीं कर रही है? राउट्स, राउट के अंदर राउट्स आते हैं। देखा जब होमवर्क नहीं कर गया तो ऐसे ही होता है। क्या था जल्दी बताओ, राउट्स के अंदर रूट के अंदर राउट्स आते हैं, सही हो गया ना अब? ठीक है, और उसके अंदर आता है आर ओ यू टी रूट, और रूट मेरे ख्याल सिंगल होता है। रूट में कितनी चीजें होती हैं? एक और राउट आ गया, और यहीं पे कर दो आर ओ यू टी एस रूट्स आ गया, ऐसा ही है। पाथ स्लैश कर दो और एलिमेंट्स, एलिमेंट में क्या होता है भाई? हेलो भैया लेट्स सी, हेलो भैया यहां प्रिंट हो गया ऐसे वट एवर, और उसको कर देता हूं एच ओ एम ई होम पर, परफेक्ट। और अगर यहां जर्नली लिख दूं I am home. I am man page. I am Mohammad Nawaz Sharif. ठीक है, ये आ गया। यहाँ आने के बाद स्लैश करना है H-O-M-E home, तो ये होम पर चला जाएगा। ठीक है भाई, और ये क्या है? ये तो पक्का रहेगा साथ, ऐसा ही है क्योंकि हमने रूट के बाहर उतारा है। इसका भी हल है या नहीं है कोई हल? आओ यहाँ कर दो स्लैश, और उसको कर दो हेलो भैया की जगह मैन पेज पेज, और यहां कर देते हैं प्रोफाइल पेज प्रोफाइल प्रोफाइल। ठीक है, और ये और ये और ये और ये H1 ऐसे ही लिखते हैं यहीं पर। एच वन यू होता है वो यार, भूल ही गया एच टी एम एल भी। ये आ गया प्रोफाइल पेज, अगर यूं कर दूं और यहां पर स्लैश पे तो ये, और यार ये प्रोफाइल पेज है तो यहाँ प्रो लिखना चाहिए प्रोफाइल। ठीक है भाई, ये हो गया परफेक्ट। अच्छा अब एक काम करते हैं कि अपने पास एक फंक्शन है चल, चल नाम का नहीं फंक्शन, नेव, नेव के नाम से एक फंक्शन बनाया, और यहां पर लगाता हूं मैं यूज यूज नेविगेट, यूज नेविगेट, और नेविगेट के अंदर मैंने क्या करना होता है? पाथ डिफाइन करना होता है। स्लैश लगा देता हूं, स्लैश का पाथ का नाम क्या है? ऐसा ही है, स्लैश प्रोफाइल वाला पाथ यहां पे पास कर देता हूं। मैं चाहता हूं इस पे बटन पे क्लिक हो तो इस पेज पे चला जाए, और ये बटन कहां होगा? बटन यहीं कहीं बना देते हैं, बटन क्लिक, और यहां क्या करते हैं ऑन क्लिक, और यहां क्या करना था भाई फंक्शन का नाम क्या है? नेव। लेट्स सी, कंट्रोल शिफ्ट आई, एरर दे रहा होगा कुछ ना कुछ। हाँ नहीं नहीं किया भाई, यूज नेविगेट फटाफट से इंपोर्ट हो गया। एक मिनट, बिकॉज इट्स violate the following content security policy directive script src self
line specialization. Note that script set. So script एक मिनट मुझे वो देखने दे दो जरा। हाँ अच्छा एक मिनट, नेविगेट आ गया, यूज नेविगेट का फंक्शन लगाया, नेविगेट के अंदर वो पाथ पास होता है, वही 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 वो, क्योंकि हुक है ना, हुक को कभी भी वहां ऊपर ऐसे नहीं, हुक को यहां डिफाइन करना था, यूज नेविगेट ये बनाया, उसके बाद यहां पर मैंने असल में देना था इसको एक फंक्शन में डाल के, मैंने कहा कॉन्स्ट नेविगेट, नेविगेट नाम का फंक्शन बनाया, मैं बोलूं असल में यूज नेविगेट है और मैंने नेविगेट बना के कर दिया, तो यहां पर आ जाएगा क्या नेविगेट। लेट्स सी अभी भी कोई एरर है तो बता दे देगा, अभी भी एरर है, हो गया काम हो गया ना अपना, चल भाई बैक आ जा, मेन पेज पे क्लिक किया और यहां आ गया, कैसा लगा मेरा मजा? ठीक है, अब ये तो होम और अबाउट और वो बटन की जगह मैंने सिर्फ नेविगेट यूज किया, सर ये क्या था, ये जर्नली क्या था कि अगर मैं नेविगेट ना बनाऊं ऐसे ही कर दूं तो भी स्टार्ट, हटाओ इसको, लोकल होस्ट का है, लोकल होस्ट ये आ गया। अच्छा ये जो फंक्शन है ना, ये मैंने डायरेक्ट डिफाइन कर दिया है, क्या कर दिया इसमें, डायरेक्ट डिफाइन कर दिया है, जैसे मैं इसको चला सकता हूं यूज इफेक्ट के थ्रू, जैसे ही सब चीजें चले सबसे पहले ये चलना चाहिए, पहले पेज पे नेविगेट हो जाए। अब पता है क्या करेंगे, यूज नेविगेट का काम, यूज नेविगेट का ये काम करेंगे, सब कुछ वैसे ही लाओ, मुझे कोई पिक्चर कुछ नहीं चाहिए, बटन को भी उड़ाओ, राउट्स बने हुए सब कुछ, अच्छा राउट बनाना लाजमी है, राउट नहीं बना होगा वो कुछ डिफाइन नहीं होगा, प्रोफाइल शुरफाइल कुछ भी नहीं। अब देखो, अब मैं आता हूं यहां सेट, और यहां पर ना अब ये यार चेक यूजर शूजर की जगह भी मैं सीधा नाम लिख रहा हूं, फिलहाल कर रहा हूं बिलाल। अब मैं कहता हूं अगर 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 ठीक है, या एक मिनट इसकी जगह बोलते हैं ये हो गया। अब जरा और से समझो, मैंने एक पिक्चर विक्चर हटा दिया, मैंने सारा पिक्चर वाला काम खत्म कर दिया, अब समझो कोड को, नेविगेट लगाया एक, यूज नेविगेट नाम का फंक्शन है उसमें आ गया, नेविगेट नाम का वेरिएबल है जिसके अंदर जो पाथ पास करूंगा उस फंक्शन में वो वहां चला जाएगा, ठीक है। दूसरा ये कि ये पाथ बना दिए, ये रहा जर्नली ये स्लैश वाले पाथ पर आ रहा होगा, जब भी चलेगा नॉट अलाउड लिखा आएगा क्योंकि स्लैश वाले पाथ पर है, मैं यहां से ऐसे जा सकता हूं अभी प्रोफाइल वाले पेज पे, ठीक है डायरेक्टली जा सकता हूं फिलहाल के लिए, इसको भी मैं बाउंड कर दूंगा, यहां भी आप जा नहीं सकोगे, ठीक है वो भी बाउंड करना सिखाऊंगा, पहले तो ये आ गया कि ये रहा। अब मैं बताया क्या चाह रहा हूं, मैं चाहता हूं प्रोफाइल वाले पेज पर वो बंदा पहुंचे जिसका डेटा एपीआई के अंदर मौजूद हो, और जिसका डेटा प्रोफाइल वाले उसके अंदर हो ना, तो वो ये ना करे उसकी पिक्चर दिखा रहा है लॉग इन कर रहा है, नहीं प्रोफाइल वाले पेज पर चला जाए, प्रोफाइल वाले पेज पर चला जाए जैसे ही जो बंदा वहां पर अवेलेबल है, और ये भी मेरी मर्जी है, अगर मैं इसको बटन पे करना चाहता हूं ये एक्सियोस का सारा मेथड जितना भी है मैं बटन वन क्लिक के ऊपर डाल दूं, वो भी अभी हम करते हैं, पहले तो आ गया। अब मैंने कहा यूजर चेक करो, उसने कहा मैं बिलाल यूजर चेक करूंगा, अगर फाउंड हो जाए तो पहले प्रोफाइल सेट कर रहे थे, हटाओ प्रोफाइल सेट ही नहीं करनी अभी, ठीक है। अब यहां पर क्या करना है, अब यहां पर करना है नेविगेट, नेविगेट करना है, नेविगेट कहां करना है, इस पाथ के ऊपर नेविगेट कर देना है, अगर यूजर बिलाल है तो इस पाथ पे नेविगेट करना है, अगर नहीं है तो क्या करना है, तो भी आप नेविगेट करा सकते हो, अलर्ट भेज सकते हो या नेविगेट करा सकते हो, आपने दोबारा नेविगेट करा दो, कहां नेविगेट कराओ, स्लैश लगाओ और होम स्लैश वाले पेज पर, अब आओ जरा आ रहा हूं किस पेज पर है, उसी पेज पर है नॉट अलाउड वाले पेज पर, आओ इसको डेटा कुछ और पास करते हैं, यहाँ के बिलाल की जगह मैं डेटा दे देता हूँ, ये डेटा वहां मौजूद है प्रोफाइल वाले पेज पर आ गया, ठीक है ये यहां से किया है मैंने, ये यहां से राउट चेंज करवाया मैंने कंडीशन के ऊपर, राउट चेंज कराया कंडीशन के ऊपर। अच्छा एक और चीज भी देखिए, ये रूट जो चेंज हुआ ऐसा रूट चेंज हुआ बैक जाने के लिए नहीं था अब मुझे यहां से वो
रूट चेंज हुआ है, क्योंकि वो बैक बैक नहीं किया, रूट चेंज किया उसने फंक्शन से। अच्छा अब नया काम करते हैं, चलो ये हो गया। अब मैं इसको करता हूं एक बटन पे, एक फंक्शन बनाता हूं, फंक्शन लॉग इन, कट किया सब कुछ उठा के यहां रख दिया। जब लॉग इन पे क्लिक होगा, जब भी लॉग इन पे क्लिक होगा तो लॉग इन पे क्लिक होने के बाद कॉन्स चलेगा, कॉन्स चलेगा सबसे पहले, और कॉन्स पर यहां पर ये वैल्यू मांगेगा। ठीक है भाई, एक्सियोस के अंदर वैल्यू ले रहा, एक्सियोस में सिर्फ वैल्यू पास करवाऊंगा, फाउंड हुआ तो नेविगेट कर जाएगा, नहीं हुआ तो इसी पेज पर रहेगा वापस। ठीक है, और चाहूं तो एरर भी दिलवा सकता हूं, वट एवर कुछ भी कर सकता हूं। मैंने यहां पे किया अलर्ट भी शो करा सकता हूं, ये भी कर दो, एक तो ये काम कर देना नेविगेट कर देना, दूसरा नीचे अलर्ट भी शो करा देना, अलर्ट यू इनवैलिड यूजर। ठीक है, और यूजर की जगह यार एक और काम कर देता हूं मैं, आईडी चेक करवा देता हूं, आईडी जो मैं आईडी दे रहा हूं ना वो आईडी वहां पर चेक कर देता हूं। ठीक है, फाउंड में मैं आईडी मैच कराऊंगा, आईडी आसान है, 1 2 3 4 क्लिक करते साथ 1 लिखना पड़ेगा, आपको पता है थोड़ा सा मैं कामचोर टाइप का आदमी हूं। ठीक है, तो इसलिए इतना कौन लिखेगा, बार बार कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। यहां आते हैं, क्लिक करते हैं, क्या बोलते हैं भाई उसको, क्या बोले तो, बटन होता है एक, अभी यहां बटन, और बटन को बोलना है क्या, ऑन क्लिक होता है, अरे नहीं भाई लॉग इन, लॉग इन देते हैं और यहां पे मैं कर देता हूं ऑन क्लिक। ऑन क्लिक में क्या करना था, नहीं लॉग इन पास करना था, लॉग इन हो गया पास, बटन बन गया। ठीक है, अभी और कोई चीज है, और अच्छा एक और काम करता हूँ, ये इतनी पंचायत इधर क्यों डाली हुई है, इसको उठा के इधर कर देते यार, मेन पेज पर ही रहे, क्या बात है सर, मेन पेज ही आएगा ना शुरू में स्लैश, और यार ये बटन थोड़ा सेंटर वेंटर कैसे होगा, अबे यार अब क्लासें लिखता रहूं बैठ के, क्लास नेम क्या होता है, सेंटर करने के लिए क्या करूं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, नहीं 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 डी ब्लॉक एम आठ, क्या बात है एम टी फाइव, वाह वाह। चल भाई लॉग इन पे क्लिक किया, अरे इनवैलिड यूजर, अच्छा लॉग इन पे क्लिक करने के बाद वो प्रॉम्प्ट नहीं दिया हुआ, और एक मिनट यार, अच्छा नाम आईडी दी हुई है, मैं बोलूँ नाम तो दिया हुआ है सही क्यों नहीं लगा, क्योंकि आईडी से मैच करवा रहा हूँ। अच्छा वैसे चल लगा रहने दे, यहाँ दे देता हूँ प्रॉम्प्ट आईडी दे दो, ठीक है वन, अब प्रोफाइल वाले पेज पे आ गया। अच्छा अगर मैं आ जाऊं यहाँ बैक जाते हैं, मैं इसको लिखता हूँ वन की जगह 45, ये भी एरर है। अच्छा 45 भी कोई आईडी होगी शायद, ये ले भाई, हाँ 45 भी इसका मतलब आईडी है, 21 है, मैं समझ रहा था बीच से, तो 45 कोई आईडी है क्या, हाँ यार आईडी थी भी है 45, मैं बोलूँ कोड कैसे एरर दे दिया। ठीक है भाई, यहाँ लॉगिन पे क्लिक किया, आप कुछ भी आईडी दें, नहीं होगा तो इनवैलिड यूजर बोलेगा, और होगा यहाँ पे 5 नंबर आईडी है तो प्रोफाइल वाले पेज पे जाएगा। पहली बात समझ आ गई भाई, क्लियर है, कोई मसला तो नहीं था यहाँ तक, क्लियर है ना ये वाली, बिल्कुल इजी इजी तरीके से मैंने आपको बताया कि कैसे ही है। अब ये है कि जैसे मैंने इसको यहाँ लॉगिन कराया, बोलो सर फॉर्म पे भी एग्जैक्टली होगा, और फॉर्म पर पूरी वेबसाइट का एक बनाऊंगा हम नेक्स्ट क्लास में आगे जाके, फॉर्म पे मैं तब बनाऊंगा, वन टाइम पूरा प्रोजेक्ट हम बनाएंगे लिंक्डइन का क्लोन। लिंक्डइन के ऊपर एक बंदा आएगा, मैं आपको साइन अप भी सिखाऊंगा, साइन इन भी सिखाऊंगा, उसके बाद जब वो साइन अप करेगा, जिस बंदे का डेटा बैकएंड पे पड़ा है उसकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी, उसकी प्रोफाइल पिक्चर आएगी, उसका नाम आएगा, वो जो पोस्टें डालेगा वो आएगा, सारा मेथड बताऊंगा, वो पोस्ट क्रिएट करेगा, सेफ हो जाएगा डेटाबेस में। तो ये पूरा काम हम, ये मैं चाह रहा हूं हम तब करें, रिएक्ट का टॉपिक एंड करके एपीआई बनाना सीखे, डेटाबेस में सेफ कराना सीखे, एंड पे बैठ के सारा बना दे, क्योंकि अभी ये बनाऊंगा काम अधूरा ही रहेगा, मैं आपको डेटाबेस में सेफ करना नहीं सिखा सकूंगा, क्योंकि वो पहले सिखाना पड़ेगा। तो वो इससे अच्छा ये है कि हम किसी और के डेटाबेस यूज करें, अपनी बना के, यहां तक वाला काम समझ आ गया ना, अभी ये सिर्फ लॉगिन है। तो इस तरीके से सिंपल आप लॉगिन करके भेज सकते हैं। अच्छा लॉगिन कर लिया, ये हो गया, अब यहां पर एक मसला है, कनेक्टिंग है ना सारी आपस में, कि डेटा आगे भेजें कैसे और उस पेज पर डेटा लें कैसे, दो तीन तरीके हैं।
आप लॉगिन का ही देखो, अब मेरे पास एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट पर डेटा भेजने का क्या तरीका होता है? प्रॉप्स होता है, अभी तक आपने वही पढ़ा। लेकिन प्रॉप्स के अंदर, अच्छा प्रॉप्स से कैसे डेटा भेजा जाता है, कौन किसको डेटा भेज सकता है? पेरेंट चाइल्ड को भेज सकता है। अगर प्रोडक्ट कैटेगरी है, कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट है तो भेजा जा सकता है, उसके अंदर कोई प्रोडक्ट है भेजा जा सकता है। क्लियर? ओके, ये यहां तक सबको क्लियर है। बिल फर्स्ट अबाउट का डेटा कॉन्टेक्स्ट में भेजा जा सकता है, पेज ही अलग है तो फिर तो नहीं भेजा जा सकता। अब मसला है, इसके लिए हमें क्या जरूरत होती है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई या फिर रेडक्स, दोनों क्या है? कुछ नहीं, दोनों स्टोर है। एक थोड़ा बड़े लेवल का स्टोर है, एक थोड़ा छोटे लेवल का, खत्म बात। देखो अब तक क्या था, जिसको भी डेटा चाहिए था वो पेरेंट टू चाइल्ड काम करता था। मतलब कि भाई जिस क्लास बिलफर्स हमने अगर कोई डेटा उठाया, बिलफर्स में बोल दे रहा हूं कोई ऐसी टॉपिक है या कोई ऐसी चीज है, हर क्लास के टीचर को दे दी गई है। अब वो क्लास का टीचर किसको दे सकता है जो उसकी क्लास के अंदर है? भाई मैं आपको डेटा सबको पास कर सकता हूँ, सर्वासित अपने स्टूडेंट्स को, ये चीज। इसके बजाय हम क्या करें, अब इसमें हायरार्की का मसला है। सर्वासित आपको डेटा नहीं दे सकते क्योंकि आप थर्ड पार्टी का डेटा, आप वहां पर उनके उस कैटेगरी में नहीं आते, उनके स्टूडेंट्स की कैटेगरी में। इसी तरीके से अलग अलग है। इसका सॉल्यूशन क्या है, टीचर से हटाओ डेटा, एक सेंट्रल पॉइंट बनाओ स्टोर जिसका कनेक्शन सबके साथ हो। कोई मैनेजमेंट हो गई, मैनेजमेंट का कनेक्शन सबके साथ है, अब हर बंदा वहां से डायरेक्ट कोऑर्डिनेट कर सकता है। इसी तरीके से हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई से कुछ स्टोर्स बनाते हैं, कॉन्टेक्स्ट एपीआई का स्टोर हम वो खुद बनाते हैं, और रेडक्स का स्टोर बना बनाया होता है। रेडक्स एक थर्ड पार्टी है, थर्ड पार्टी चीजें क्यों यूज करते हैं, ताकि लोड उन पर आए हम पर ना आए। समझ आ रही है बात? थर्ड पार्टी चीज यूज करने का मकसद ये होता है प्रोजेक्ट के अंदर कि भाई हमारे कोड पर लोड ना पड़े। अब देखो रिएक्ट के अंदर ही सारी चीजें खुद बना जाएगा, रिएक्ट का प्रोजेक्ट खुद भारी हो जाएगा, तो उसको आसान करने के लिए हम थर्ड पार्टी की चीजें यूज करते हैं जिसमें वो बनी भी होती है, हमें छोटी छोटी चीजें बनानी पड़ती है, वो प्रॉपर उसी काम के लिए होता है, उसी के अंदर प्रोवाइडर्स हैं, फिलाने हैं, ढिमकाने हैं, कंज्यूमर्स हैं, वो सारी चीजें वहीं से उठाते हैं और हम आगे यूज करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा जो टॉपिक होगा वो किसके हवाले से होगा, कॉन्टेक्स्ट एपीआई। अब एक और चीज है, एक और चीज है, वो क्या है, लेट्स सी। मैंने पढ़ने को क्या क्या चीजें दी थी पहले बताओ, कॉन्टेक्स्ट एक्सियोस दिया था, क्लियर करवा दिया, फाइंड का मेथड बताया था, क्लियर हो गया, दूसरे नंबर पे यूज नेविगेट, तीसरे नंबर पे बोला था, हो गया। मैंने कल जो चीजें बताई थी, हाँ अब बच गया यूज पैरम्स। यूज पैरम्स क्योंकि अभी रिक्वायर्ड है, उसको आगे पढ़ते हैं, देखते हैं व्हाट इज यूज पैरम्स इन रिएक्ट। यूज पैरम हुक्स रिटर्न्स एन ऑब्जेक्ट की वैल्यू पेयर ऑफ द डायनेमिक पैरामीटर्स ऑफ द करंट यूआरएल। लेट्स सी कैसे, इधर आओ, यहां पर अगर मैं गिटहब पर आता हूं, अच्छा यार गिटहब पे भी साइन इन करना पड़ता है, लिंक्डइन पे भी मेरे ख्याल से साइन इन मांगेगा। वो आपने देखा वैसे स्लैश करके आगे नाम आ रहा होता है ना, ये अब वो नाम ऊपर कैसे आ रहा है भाई? यूआरएल तो आप लोग बनाते हो ना भाई, यूआरएल तो आप बनाते हो, ऐसा ही है ना, यूआरएल जितने हैं वो सबके सब आप बनाते हो ना खुद, यहां पर क्रिएट करते हो ना ब्राउजर पे। तो अगर कोई नया यूजर आया तो उसका यूआरएल आप खुद बैठ के बनाओगे? अब हजार लोग, लाख लोग बैठे हुए लिंक्डइन के ऊपर आज के दिन आईडी बना रहे, तो क्या हर बंदे के लिए क्या होगा, वो बैठा होगा पीछे डेवलपर रूट बनाएगा और इस तरीके से? नहीं, ऑटो जनरेट हो रहा है पाथ एक ही आईडी के हिसाब से। उसके लिए हम यूज करते हैं यूज पैरम्स का, और उस पैरम्स के थ्रू हम क्या करते हैं, अच्छा वो यूज पैरम्स नहीं, उसके लिए तो हम मुख्तलिफ चीजें यूज करते हैं, पाथ के अंदर समझाऊंगा, नेस्टेड राउटिंग के अंदर। लेकिन यूज पैरम करेगा क्या, हमारे पास कोई पाथ दिया हमने और उसके थ्रू आगे डेटा भेजेगा। यहां आ गया यूज पैरम्स, यूजर आईडी, ठीक है, यूजर आईडी थी मैंने, अब जो डेटा यहां मैंने दिया होगा इस आईडी को वो यूआरएल के अंदर शो कराएगा, ठीक है, प्रोफाइल के पेज पर जाएगा और यूजर की आईडी देगा। अब थोड़ा सा मुझे एक दफा देखने दो इसका आइडिया, बहुत टाइम हो गया मैंने यूज पैरम्स को नहीं देखा हुआ, जरा सा एक रिकैप कर लूं मैं, टॉपिक जो मैंने कॉन्सेप्ट दे दिया वो तो वही है, अब जरा देख लें इसका यूजेज। यूज पैरम्स लिखा, उसको इम्पोर्ट करवाया, इम्पोर्ट कराने के बाद आ गया लाइब्रेरी के अंदर, एक राउटर्स बनाया, इंपोर्ट ब्राउजर राउटर सब कुछ, राउट्स बना के इस तरीके से दे दिए, आईडी पास कर दी प्लेज, हाँ यहां मैंने दे दी आईडी। और नेक्स्ट स्टेप कहाँ है, यूज पैरम्स पे आगे चलते हैं, दो मिनट
हाँ, यूआरएल पर डेटा भेजने के लिए ये यूज होता है, यूज पैरम्स से, ठीक है। वो जो आईडी के साथ आगे क्या लिखा हुआ आएगा ना, यूज पैरम्स बताएगा कि यार क्या लिखा हुआ आ रहा है। और हाँ, यूज पैरम्स से ही आईडी से डेटा निकाला जाता है। मैं जरा यहाँ आ जाऊं, जरा मुझे देखने दें यूज पैरम्स, कर देता हूं यूज पैरम्स इंपोर्ट किया। और यूज पैरम इंपोर्ट करने के बाद यहां मैंने एक लॉग वो देखा था, ये भी हटाओ, एक मिनट, कोड देखा है लास्ट वाला, ये नहीं इसके बैक वाला, क्रिएट यूज पैरम्स, इससे भी पहले वाला देखा शायद, यूजर आईडी यूज पैरम के अंदर से, यूजर आईडी, यार यूज पैरम्स के ऑब्जेक्ट्स देखने, की वैल्यूज ऑफ यूज पैरम्स रिएक्ट, इसके अंदर से ना कुछ डेटा कलेक्ट करने के लिए होता है, क्या क्या डेटा हम कलेक्ट कर सकते हैं। आईडी हो सकती है, प्रोफाइल, आप सारी चीजें गेट कर सकते हो। जनरली हम वो चीज भेजते हैं कि भाई जो सामने वाले यूजर को पता चल जाए तो भी फर्क ना पड़े, मतलब ये कि यहाँ मैं पासवर्ड तो नहीं भेजूंगा, यहाँ मैं पासवर्ड भेजूंगा तो कोई पासवर्ड क्रैक कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ मैं नाम भेज सकता हूँ, आईडी या ईमेल, बस जनरली कोई भी चीज जिसने लॉग इन किया हुआ है। तो उसके लिए देख रहा हूं मैं, कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंट मिल जाए ना जिसके अंदर थोड़ा सा काम हुआ हुआ हो। लेट्स सी, W3 ने भी दिया हुआ होगा, जिस टाइप का मैं चाह रहा हूं वैसे नहीं दिया हुआ, मैं चाह रहा हूं एक आईडी दी हुई है और आईडी डेटा पाथ, नहीं, पाथ में दिया हुआ हो स्लैश डॉट लगा के। यार मैं एक काम करता हूं, एक लॉगिन ना पाथ पर, लॉगिन पर पाथ पाथ पाथ, ब्राउजर राउटर कॉलन आईडी है, ये पैटर्न याद नहीं आ रहा मुझे, दिया हुआ तो इसने परफेक्ट होगा, कॉलन आईडी यूजर आईडी, पाथ में यूजर आईडी दिया हुआ है, यूजर आईडी में यूजर्स में आता है, प्रोफाइल में आता है, प्रोफाइल के पेज में नेस्टेड पाथ। अच्छा एक मिनट रुक जाएं, स्लैश खत्म करते हैं सबसे पहले, हाँ ये भी हटाते हैं, राउट आ गया इसका, ये भी हटाऊंगा, दो मिनट रुक जाएं मैं ये फाइनल कर देता हूँ, बस ये एक टॉपिक एंड कर दें हम। अच्छा अब जरा यहाँ देख लें दोबारा थोड़ा सा गौर से, मैंने अब एक काम कर लिया है, राउट्स के अंदर रूट था, एक रूट था वो सिंगल बना, इस बार मैंने क्या किया कि इसको सिंगल सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं रखा, बल्कि कौन सा रखा है, वॉइड टैग, मतलब ओपन भी है और क्लोज भी है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर मैं और अब रूट डिफाइन करने वाला हूं, जैसे कि ये रहा ये और ये आईडी के थ्रू, मैं जरा इस आईडी वाले पाथ पर आ जाऊं यहां पर। अब मैंने दे दिया बिलफर प्रोफाइल पेज, इसके ऊपर कुछ भी आ जाए इसके ऊपर मैं शो करवा दूंगा यहां पर इसी तरीके से ये, और यहां आ जाता हूं मैं, कर देता हूं माय आईडी यूजर यूजर नेम, जरा सा मैं एक काम करता हूं स्लैश, और इधर आने के बाद स्लैश प्रोफाइल कॉलन लगा के, क्या चीज आईडी, यार एक मिनट रुक जाओ, सिर्फ लोकली नहीं यूजर आईडी ये वाली जो है ना ये जर्नली दिया हुआ इसने पाथ, और प्रोफाइल में लेट कर लेता हूँ, वैसे यहाँ जरूरी नहीं है, और ये इसने बनाया प्रो, अच्छा, एक मिनट, इसने यूजर प्रोफाइल के अंदर दिया हुआ है यूजर आईडी का, वन सेकंड, कोई एक छोटी सी चीज यहाँ कवर कर लूँ मैं, और इस सब के लिए मुझे एक कोड को कमेंट करना पड़ेगा अपने कोड को,
ठीक है, यूज पेरेंट्स में लेकर आया, मैंने ये कंसिडर किया और मैं जरा प्रोफाइल का कंपोनेंट ले आता हूँ यार। तो उसने प्रोफाइल का कंपोनेंट अलग बनाया हुआ भी होगा। एग्जैक्टली नीचे आता हूँ, क्या मिस्टेक कर रहा हूँ, प्रोफाइल की जगह मैं यहाँ कोई नाम लिखता हूँ, नहीं 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 प्रोफाइल प्रोफाइल स्लैश नहीं आता यार, स्लैश पे डेटा नहीं देता। पैरम से डेटा उठा के ना नीचे प्रिंट करवाएगा, जैसे मैं स्लैश दे रहा हूँ ना स्लैश, इसके थ्रू वहां डेटा भेजा और गेट किया जाता है। पाथ में इसका पाथ दिया हुआ है, द यूज पैरम्स कीज वैल्यू पेयर ऑफ द डायनेमिक प्रोग्राम यूआरएल दैट वर मैच टू राउट पाथ चाइल्ड रूट इनहेरिट ऑल पैरम्स फ्रॉम देयर पेरेंट रूट पिकिंग राउटर यूजर्स स्लैश पाथ गेट द यूजर आई डी पैरम्स फ्रॉम द यू आर एल। H1 निकाल वन सेकेंड, यूज पैरम्स दिया, नीचे आईडी दी, कॉन्स्ट आईडी यूजर रिक्वेस्ट आईडी पाथ दे दिया, ये पकड़ लो पकड़ लो। दो मिनट यार, इसमें ना एक छोटी सी चीज चेंज है कि पॉज यूजर आईडी, अच्छा एक मिनट, हाँ वो दिखाओ उसने कॉलन ऊपर यूआरएल कैसे डाला ये देखना था मुझे, स्लैश लगा के डाला कॉलन लगा के, फिर स्लैश लगाया तो एक मिनट बस ऊपर स्लैश वन लगा रहे, स्लैश लगा रहे, स्लैश वन। जरा हम चेक करते हैं, मैं यहां पर प्रिंट करा देता हूं कि मुझे यूज पैरम्स लेना है, फंक्शन की जरूरत है, मैं करता हूं यूज पैरम्स ये, और यूज पैरम के अंदर लेकर आता हूं कॉन्स्ट यूजर आईडी, आईडी इज इक्वल टू ये, और मैं यहां प्रिंट करा देता हूं लोकल होस्ट प्रोफाइल के पेज पर प्रोफाइल है ये यार, नेक्स्ट क्लास में ही कवर कर लेंगे, लंबा हो जाएगा टॉपिक और मुझे एग्जैक्ट क्लियर नहीं हो रही है क्या चीज़ है।